तो किताबों में लिखने वाले जो ऋषि मुनि थे वो ये सोच के थोड़े ना लिख रहे थे कि इसके लिए लिखूंगा उसके लिए नहीं लिखूंगा, वो लिख रहे थे कि ये वो किताबें हैं जो सारे संसार के काम आए, पूरे मानव जाति के काम आए। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से पूरा संसार और मानव जाति सिर्फ एक ही शख्स था, हिंदू। हिंदू तो आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत खास है और उसके दो रीज़न हैं। एक तो जो इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो खुद मुझे बहुत पसंद है, इट्स रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बोथ, और जिनसे हम बात करने वाले हैं उनका मैं खुद फ़ैन हूँ। और अगर मैं उनकी ही भाषा में अगर उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो ही इज़ अ पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन प्ले राइटर, लिरिसिस्ट एंड अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, इज नन अदर देन अक्षत गुप्ता। कैसे बहुत, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हम बुलाने के लिए, मैं भी एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले बता देते हैं कि आपकी हमारी मुलाकात पहली कैसे हुई थी, बताइए। वो क्या? मैं बताता हूँ। तो हमारी पहली मुलाकात ऐसी हुई थी कि फ्लाइट में एक शख्स बैठ के द हिडन हिंदू पढ़ रहा था, उसके हाथ में किताब थी और वो थे ये, और उसी फ्लाइट में मैं था। तो एक पाठक और एक लेखक दोनों एक ही फ्लाइट में बिना एक दूसरे को जाने सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ हमारा पहली बार हमारा परिचय हुआ था एक दूसरे से, और उसके बाद ये दूसरी मुलाकात है जब हम आमने सामने बैठे हैं। तो अक्षत भाई स्टार्ट करते हैं, तो मुझे एक चीज़ जो पूछनी थी कि अक्षत भाई ये जो बुक्स का आइडिया था, जो ट्रिलॉजी का आइडिया है जी, ये आपके दिमाग में आया कब और इसके पीछे जो रिसर्च कितनी करनी पड़ी? रिसर्च तो बहुत सारी करनी पड़ी, लेकिन देखिए हम आपको और मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ जो हो रही है और जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते नहीं होते हैं, वो हमारे आसपास होती होती है, है ना। तो आप अपना लाइफ, मतलब वो जो भी शक्ति है वो चाहती है कि आपको लगे कि जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन असल में आप बहुत कम करते होते हैं। तो मैं तो रेस्टोरेंट चला रहा था, अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ होटल इंडस्ट्री में। अच्छा। तो हमको तो लगता था कि अच्छा खाना बनाना और प्यार से मुस्कुरा के उस खाने को खिलाना। तो आप कुकिंग करते हैं? मैं बहुत अच्छा कुकिंग करता हूँ, अरे वाह। मेरी समकक्ष बताएंगे, मेरे आसपास वाले लोग बताएंगे, नहीं तो आपके सुनने वाले बोलेंगे लो अपने मुंह में मिट्टी शुरू हो गया, क्योंकि मैं भी कुकिंग करता हूँ। हाँ, तो अभी आज ही मैं किस कोई क्लिप देख रहा था ट्विंकल खन्ना जी का, बगल में अक्षय कुमार बैठे हुए, बोले कि ही इज एन अमेजिंग कुक, ही नोज हाउ टू फ्राई माई ब्रेन्स एंड बॉइल माई ब्लड। तो हाँ, मैं भी अच्छा कुक हूँ। तो हम तो रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री की पीढ़ी के लोग थे, मैं तीसरी पीढ़ी था उसमें, 10 साल में खुद रेस्टोरेंट चलाया हूँ इंदौर में। अच्छा। तो वो बोलते हैं ना, नॉट इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम यू एवर थॉट टू बिकम एक्स वाई जी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं राइटर बनूंगा या मैं किताब लिख लूँगा या किताब इस देश में बिकने वाली हाईएस्ट नंबर किताब बन जाएगी एक साल की, मतलब एक साल में कोई भी किताब जितनी बिक सकती है उसमें वी आर द हाईएस्ट सेलिंग बुक ऑफ दिस कंट्री राइट। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि आपने कैसे सोचा कि लिखना है, लेकिन वो हुआ, वो किया नहीं गया, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट, ये सच है कि एक थॉट आया और लगा कि 7 चिरंजीवियों पे कम बात होती है, लिखते हैं। तो जब आप लिखने का एज अ राइटर, और ये मेरी पहली किताब थी, तो एज अ राइटर जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोच के नहीं लिखते, आप वो लिखते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अब वो लिख के जब बुक रिलीज हुई तब पता चल रहा है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो हो गया। अच्छा, तो इसके पीछे रिसर्च कितना करना पड़ा आपको? बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि आप ऐसे ही हवा में कुछ नहीं लिख सकते, बिकॉज लोग इसके जानकार हैं जो पकड़ सकते हैं पॉइंट्स को। जी जी जी। तो इसके पीछे रिसर्च कितनी लगी? मुझे 3 किताबें लिखने में 6 साल का वक्त लगा, और आपके दिमाग में एक बार अगर कहानी का खाका तैयार हो जाता ना तो आप उसके इर्द गिर्द चीज़ें ढूंढना शुरू कर दो। तो आपको अगर ये पता है कि आपको भले ना पता हो कि एग्जैक्ट किलोमीटर कितना है, डिस्टेंस कितना है, पर अगर आपको ये मालूम है कि मुझे फलाने शहर जाना, फलाना शहर आप जहाँ खड़े हैं उससे पूरब में या पश्चिम में, तो आप लड़खड़ाते हुए थोड़ा लंबा रास्ता भी भले पगडंडियाँ लेके जाएंगे, लेकिन आप कम से कम सही डायरेक्शन में जाएंगे, पहुँच जाएंगे। हाँ, पहुँचे देर से या जल्दी वो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम आप सही दिशा में चलना शुरू करेंगे। तो मुझे ये मालूम था कि मैं जो लिखना चाह रहा हूँ उसकी दिशा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाइए,
और उसमें जो आपके काम की होगी वो आपकी कहानी से जुड़ जाएगी। जैसे आप बीच में एक बड़ा सा मैग्नेट रख दीजिए और बहुत सारे अलग अलग धातु और सब चीज़ें रखिए, तो आप जैसे ऐसे सब चीज़ें बीच में छोड़ेंगे ना तो सब लोहा आके चिपक जाएगा, है ना, मैग्नेट से। तो आपके दिमाग में अगर कहानी का जो प्लान है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो क्लियर है और आप ढूंढते पढ़ते रहेंगे तो आप ये सोच के नहीं पढ़ रहे होंगे कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, पर वो जैसे ही कुछ आप पढ़ेंगे ना बोलेंगे आपको अपने आप होगा कि ये मेरे कहानी के काम का है, ये मेरी कहानी में जुड़ सकता है। वहाँ से अब पढ़ना शुरू किए हम तो, जैसे एक बात है ना कि महाभारत से अश्वत्थामा, कृपाचार्य और वेद व्यास निकले, तो ये तो सबको मालूम है कि महाभारत से, जो कि द्वापर युग था, तीसरा युग था, उससे ये तीन जन निकले। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इन्हीं 7 चिरंजीवियों में परशुराम जो है उनका भी महाभारत से कुछ कनेक्शन है। वो उसके उनके गुरु थे आई थिंक भीष्म के, वो भीष्म पितामह के, द्रोणाचार्य के और कर्ण के, तीनों जी वो तीनों के युद्ध गुरु थे। तो आपको ये मालूम है कि परशुराम एक चिरंजीवी है, आपको ये मालूम है कि 3 चिरंजीवी निकले हैं महाभारत से, लेकिन परशुराम जो सत्युग के अंत में से, मतलब त्रेता युग की शुरुआत से उनकी बातें होती, वो द्वापर युग के अंत तक जुड़े हुए थे, ये आपको नहीं पता। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो फिर आपको अचानक से कोई प्रसंग पढ़ने को आएगा जहाँ आपको पता चलेगा एक मिनट महाभारत में परशुराम कहाँ से, फिर आप उसमें घुसना शुरू करेंगे क्योंकि आप तो 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहे हैं। फिर आप और पढ़ते जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा एक मिनट मतलब महाभारत में हनुमान कहाँ से आ गए, तो फिर आपको पता चलेगा कि कृष्ण और अर्जुन पहुंचे थे हनुमान जी के पास कि भाई हमारी तादाद युद्ध में कम है, हम चाहते हैं आप साथ दीजिए। तो फिर अब बात ये आती कि कृष्ण को और अर्जुन को कैसे पता था कि हनुमान कहाँ है, तो आप थोड़ा और पीछे ढूंढने निकल जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि हनुमान जी एक जंगल भीम एक जंगल में जा रहे थे और उनके साथ वो प्रसंग हुआ था कि पूंछ पड़ी है, और तो भीम को पता था कि हनुमान कहाँ रहते हैं। तो जब युद्ध का समय आया तो भीम ने बताया अर्जुन और कृष्ण को, तो ये गए और हनुमान बोले कि देखिए ये धर्म युद्ध है, अगर इसमें मैं उतर गया ना तो ये युद्ध शुरू होने पहले खत्म हो जाएगा, तो आपका जो ओवरऑल पर्पस है महाभारत रचने का वो डिफीट हो जाएगा। फिर एक कहानी रह जाएगी कि सच्चाई की तरफ से हनुमान जी उतरे और सब खत्म। तो उसके अंदर उस 18 दिन में जितनी कहानियां बननी है वो सब रह जाएगी। लेकिन आप मेरे दरवाजे हैं तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं छोड़ सकता, भेज सकता हूँ वापस। तो मैं आप जिस रथ के सारथी बन रहे हैं उसमें कोई भी हो, मैं उसके ध्वज में बैठ जाऊँगा। उनको पता था कि कृष्ण जी सिर्फ सारथी बनने वाले हैं, ना कि खुद एक्टिवली पार्ट लेने वाले। हनुमान है तो हनुमान से जब पहली बार भीम मिले तो भीम को नहीं मालूम था कि वो हनुमान, हनुमान को तो पता था ना कि वो भीम है, तो बोले मैं आपके ध्वज में बैठ जाऊँगा कि आपकी बात रह जाए। उसके बाद फिर जो हुआ वो सबको मालूम ही है। तो वैसे ही है कि जब आप पढ़ना, आप किसी चीज़ की खोज में निकलते हैं तो फिर खोज आपको आपके टेस्ट लेती है, आपके एग्जाम्स लेती है, देखते हैं कब तक खोजेगा, देखते हैं कितने दिन का भूत है ये। फिर जब खोज को समझ में आता है कि ये खोजे बिना नहीं माने, तो फिर खोज बोलता है ये राम है, ले लो जो लेना है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ जो जिस बारे में मैंने आपसे बात करना चाहता था, जो एक हमारा मेन टॉपिक है इस पॉडकास्ट का जी, वो ये आपकी बुक्स का नाम है हिडन हिंदू जी। जो आजकल का अगर मैं टाइम देखूं तो बहुत ही करेक्ट नाम है हिडन हिंदू, क्योंकि हम जितने भी हिंदू हैं आजकल मुझे लगता है हम सब लोग हाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, हम लोग अपने ही रिलीजन को फॉलो करने में थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, थोड़ा सा झिझक रहे हैं। मंदिर जाने में हमें थोड़ी झिझक होती है कि लोग सोचेंगे कि यार क्या बैकवर्ड आदमी अभी तक मंदिर मंदिर जाता है, ट्यूसडे को टीका भी लगाता है, हनुमान जी की पूजा भी करता है। तो जबकि हमारा रिलीजन जो है वो बहुत ही साइंटिफिक है, और ऑलमोस्ट हज़ारों सालों तक अगर आप देखें तो भारत ने लीड किया है। आप साइंस में देख लीजिए, आप स्पिरिचुअलिटी में देख लीजिए, आप वॉरफेयर में देख लीजिए। तो ये जो हम लोग पिछड़ गए जी वेस्टर्न कल्चर के सामने या और रिलीजन्स के सामने, ये आपको क्या लगता है कब ये पतन शुरू हुआ? देखिए, एक सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो गीता का सार है, वो उस वक्त का लिखा हुआ है जब सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ये सब
शुरू नहीं हुए थे। ये भी मुझे एक बहुत मेन रीजन लगता है कि हमारे पास कुछ सामने किसी और के बारे में लिखने के लिए था ही नहीं। नहीं, सामने था भी नहीं। और उस समय वो जो हम अब तो ये कह के कई लोग नकार देते हैं कि ये तो हिंदुओं की किताब है, उस समय हिंदू वाला कोई वो था ही नहीं, नहीं। भाई तुम कोई और हो, मैं कोई और हूँ। इसीलिए हम सनातनी होने के तौर पे, हिंदू होने के तौर, मैं सनातनी और हिंदू दोनों शब्द उस पर भी लोग अलग अलग करते हैं। मैं मानता हूँ जो सनातनी बोल रहा है वो भी अपने आप को हिंदू बोल रहा है, और जो अपने आप को हिंदू बोल रहा है वो अपने आप को सनातनी ही बोल रहा है। तो उस पर बहस नहीं करना चाहता हूँ मैं। पर कुल मिला के वो सारी किताबें जो लोग लिखे, जिन लोगों के लिए लिखे, उस समय बाकी सारे रिलीजन होते नहीं थे। इसीलिए अभी भी हमारे लोग और हम ये कह रहे हैं कि वो सारे जो पुराण हैं, जो वेद हैं, गीता का जो सार है, वो किसी सनातनी या किसी हिंदू के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के लिए। क्योंकि उस समय हमारे लिए संपूर्ण मानव जाति हम ही थे। ये तो सब या बाहर से आए हैं या बाद में यही फले फूले। तो आप ये सोचिए कि उस समय जब कोई और था ही नहीं, तो किताबों में लिखने वाले जो ऋषि मुनि थे वो ये सोच के थोड़े ना लिख रहे थे कि इसके लिए लिखूंगा उसके लिए नहीं लिखूंगा। वो लिख रहे थे कि ये वो किताबें हैं जो सारे संसार के काम आए, पूरे मानव जाति के काम आए। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से पूरा संसार और मानव जाति सिर्फ एक ही शख्स था, हिंदू, हिंदू सनातन। तो अब उसको पढ़ने में जिन लोगों को परेशानी हो गई कि अरे ये तो उनका है, भाई मैं बोल रहा हूँ चलो आप उस तरीके से भी ले लीजिए जो कि गलत है, पर अगर आप ले भी गए, आप एक किताब पढ़ते हैं आपको लगता है आप दुनिया सीख गए। हमारे पास तो लाइब्रेरी है, पूरी पूरी लाइब्रेरी हमारे पास। क्योंकि कहते हैं ना कि तुम लोग का तो समझ में नहीं आता है, कभी बोलते हो गीता है, कभी बोलते हो रामायण है, कभी बोलते हो महाभारत में ही हुआ था, कभी हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हो, कभी गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाते हो, इतनी सारी किताबें हैं तुम लोगों को खुद नहीं पता। अरे नहीं भाई, तुम्हारे पास एक एक किताब है, मेरे पास लाइब्रेरी है, और मैंने लाइब्रेरी खोल रखी है निःशुल्क तुम सब के लिए, पढ़ो, जाओ पढ़ो। उसका मेरे धर्म से, मेरे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपकी, आपके दिमाग में मेरी विष्ठा है, ये सिर्फ आपके दिमाग का पैदलपन है कि आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं जो लिखा था वो सनातनी था तो मैं क्यों पढ़ूं। जबकि वाकई में वेदों पुराणों का कोई रिलीजन से आई डोंट थिंक कि कुछ लेना देना, इट्स जस्ट अ वे है, इट इज अ लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज व्हाट वी नो एज आवर्स नाउ, और उसमें जो चीज कही हुई है वो हर, अब हमारे उसमें कहा गया है कि पीपल के पेड़ की पूजा होनी चाहिए। हमको ये नहीं मालूम कि पीपल के पेड़ की पूजा क्यों होनी चाहिए। अब मुझे भी नहीं मालूम, प्लीज थोड़ा सा आप सुन रहे हैं, पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा आज भी आप देखते हैं ना, मौलीबाद में पूजा करते रहते हैं, और घर में बोला जाता है तुलसी लगाइए, तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। बिल्कुल है, हाँ बचपन में हमने देखा भी है। नहीं, मेरे घर में अभी भी है, ज्यादातर घरों में। मैं 36वें माले पे रहता हूँ बम्बई में, इतनी सी मेरी बालकनी है, वहाँ तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा है। ठीक है, इसके पीछे का जो साइंटिफिकली लॉजिकली प्रूव्ड रीजन है वो ये है कि ज्यादातर जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो रात को ऑक्सीजन वापस लेने लग जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं। पीपल, बरगद और तुलसी वो पौधे हैं जो रात को भी आपको ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा जी, तो आप अपने माता पिता की पूजा करते हैं ना जी, उनका आदर सम्मान करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो जीवनदायी है ना। तो वो पेड़ जो आपको पूरी रात जिंदा रखता है, आप सोचिए कि ये बीच में एक छोटा सा गांव है 25 घर का, और वो चारों तरफ उसके जंगल है, और उसमें एक भी बरगद और पीपल नहीं होगा ना, तो एक ही रात में वो पूरा गाँव मर जाएगा, क्योंकि पेड़ों को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहती है रात भर कि आपके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को, सफोकेशन से लोग मर जाएंगे। लेकिन पुराने लोगों को, पुराने समय के नहीं पढ़े लिखे लोगों को, आप ऑक्सीजन कैसे समझाते? क्या कैसे समझाते ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम जो छोड़ते हो हवा अलग है, तुम जो लेते हो हवा अलग है, कैसे समझाते? तो बोले यार कौन इतना दिमाग लगाए, इन लोगों को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है। सुनो, बरगद में और पीपल में भगवान वास करते हैं, उसकी पूजा करो, उसको काटना नहीं पाप लगेगा। आज भी आप किसी पुराने गांव में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए,
हर पेड़ कट गया है, कहीं बीच में एक पीपल खड़ा है, कहीं बीच में एक बरगद खड़ा है, अभी भी उसमें मौली बांध बांध के हम उस पर लोटा भर पानी, पेड़ को आपसे लोटा भर पानी चाहिए नहीं चाहिए ना, हम और कुछ उसको देने के लायक ही नहीं, तो हम वो दे रहे हैं। अब वो जो पीपल का पेड़ है वो बरगद, और जो बरगद का पेड़ है वो क्या, वो ये डिसाइड करता है कि नहीं नहीं ये लोग मेरी पूजा करते हैं तो मैं इन्हीं को सांस दूंगा, मुस्लिम को नहीं दूंगा और क्रिश्चियन को नहीं दूंगा। तो अगर हमारे उसमें लिखा है कि पेड़ की पूजा करनी चाहिए, तो पेड़ उस पेड़ की पूजा, सारे पेड़ की पूजा तो नहीं, बबूल की पूजा तो नहीं करवा रहे ना, नहीं हम उन पेड़ों की पूजा करवा रहे हैं जो आपको रात भर जीवित रखते हैं, जो आपके लिए जीवनदायी है, तो जो जीवनदायी है उसको मान सम्मान नहीं देंगे आप। तो मेरी पूजा पद्धति मान सम्मान देने का तरीका है। आपके आपके शिव को दूध नहीं चाहिए, है ना, आपके गणेश जी को मोदक का लड्डू नहीं चाहिए, समझिए इस बात को। ये सब इसलिए, ये हम जो दे सकते हैं उस समय जो जो दे पाता था देता था। हमारी इस बात पे भी बुराई होती है कि ये तो बलि देते थे, अरे तो जो गडरिया था, जो चरवाहा था, क्या देगा, जो ऐसा था ना कि जैसे जैसे टैक्सेस, अब तो पैसों में टैक्स होता ना, पहले के टैक्सेस क्या होते थे, किसान अनाज ला के रख जाता था, जिसके पास जो होता था, जो कपड़ा सीता था वो कपड़े, जो जूता बनाता था जूता ला के दे देता था, तो वही उसका टैक्स होता था। तो ये पद्धति जो है कि भाई हम आपसे, हमको इतना कुछ मिलता है, हम आपको बदले में क्या दे सकते हैं, तो उस समय ऐसा था कि हमारे पास जो है हम दे देते। तो अलग अलग समुदाय जो थे, कि एक समुदाय था जो सिर्फ चरवाहा था, तो उसके पास जो था वो करने लग गया, वो एक पद्धति बन गई। अन्नपूर्णा को अनाज भी तो चढ़ता है, है? जो ग्वाला था वो दूध चढ़ाने लग गया, उसके पास दूध ही था, तो बोला ले भैया हमसे दूध ले लो। तो ये सब, दीज आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी, है ना, क्या थैंक्स गिविंग के तरीके हैं अपने अपने। तो आप और मैं मिलेंगे या आप मुझे कुछ देना चाहेंगे तो आप वही देंगे ना, जो आप, मैं सोचूं कि आप आएंगे और आप मेरे को कैडलेक ला के दे देंगे, तो ना मेरी वो हैसियत है कि मैं कैडलेक ला दूं, ना वो आपसे मेरे को उम्मीद करनी चाहिए। तो जिसके पास जो होगा वो अपने श्रद्धा और अपनी काबिलियत के हिसाब से अर्पण करता था। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो फिर हवा चल रही है तो हवा सबकी है, लेकिन आप, अब बाकियों की समझ ये नहीं थी, बाकी मैं नाम और समुदाय विशेष के बारे में नहीं बोलूँगा, पर उनकी समझ ये नहीं थी कि भाई क्यों पीपल और बरगद की पूजा होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने पूजा पद्धति से उसकी पूजा चालू कर दो, क्या प्रॉब्लम। हाँ, हम लोग मतलब जो सनातन धर्म है वो तो पूरी छूट देता है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ की पूजा, अगर आपको ये पत्थर में भगवान दिखता है तो आप उसकी पूजा कीजिए, आपको पीपल में दिखता है, आपको बरगद में दिखता है, आपको हवा में दिखता है, आपको पानी में दिखता है, सब चीज़ की छूट है हमारे उसमें। आप अगर ऑलमाइटी की पूजा कर रहे हैं तो आप बड़ी सी बिल्डिंग बना के उसके अंदर मत कीजिए ना, आप आसपास जो पीपल का पेड़ बरगद का पेड़ है उसके नीचे नमाज अदा कर लीजिए। मेरे को लगता है कि हर धर्म के भगवान ज़्यादा खुश होंगे जी, कि चलो भैया कम से कम तुमको ये तो समझ में आया कि तुमको खुद कैसे जिंदा रहना है, हर चीज़ को मार काट दोगे तो दुनिया किसकी बचेगी और क्यों रहेगी, ऐसा ही है बस। एक जो चीज़ है जिससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, जो हमारी जो किताबें हैं जी, उनको मिथ घोषित कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुझे खुद को गलत पर्सनली लगता है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री। बाकी सबको हिस्ट्री है उनकी, उनको एज अ फैक्ट माना जाता है, बल्कि उनके नाम पे डेट्स भी हैं, पर हमारी बुक्स को क्यों मिथ बना दिया गया, क्या लोगों को उस चीज़ की समझ नहीं है कि उनमें क्या लिखा हुआ है और उनको कैसे फॉलो किया जाए और वो क्या सिखाती हैं। मैं तब से हूँ जब से आपके भगवान भी नहीं बने थे, आपकी किताबें नहीं बनी थी, आपका भगवान नहीं बना था, मैं उसके भी पहले से हूँ, मैं तो सीनियर हुआ ना आपका। तो कई बार क्या होता है, देखिए दो तरीका होता है अपनी लाइन बड़ी बताने, या तो आप में इतनी काबिलियत हो कि आप पिछली लाइन से लंबी लाइन खींच लें, जो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपकी शुरुआत कब से हुई है, मेरे पास तो तारीख है, और मेरी शुरुआत कब से हुई है आपके पास तारीख नहीं है, है ना, हम आपके आने के पहले से हैं और हम आपके चले जाने के बाद भी होंगे, ठीक है। वो जो लाइन है ना, या तो आप उससे लंबी लाइन खींच लीजिए जो आप नहीं खींच सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस लाइन को छोटा करेंगे अपनी लाइन बड़ी दिखाने के लिए,
तो वो दूसरे या दो में से ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप मेरी लाइन छोटी करने की कोशिश कर सकते हैं, आप मेरी विश्वसनीयता को हिलाने की या मेरे को मनगढ़ंत बताने के अलावा, क्योंकि आपको सुपीरियर घोषित करना ना खुद को, तो आप अगर चाहते हैं कि आप मेरे ऊपर अपनी सुपीरियरिटी बना लें तो आपके पास सिर्फ एक तरीका है कि आप मेरे को इन्फीरियर दिखाएं, क्योंकि आप एक्चुअली, आपको पता है कि आप मेरे से सुपीरियर नहीं हो सकते, क्योंकि मैं आदि अनादि काल से हूं, मैं आपके पहले हूं। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप मेरी विश्वसनीयता पर घात करेंगे, ताकि वो जो जो कम समझते हैं, नहीं समझते हैं, उनको ये समझ में आए कि हाँ भाई ये तो एक काम करते हैं, चलो ये तो यही हो रहा है। और उसमें ठीक, समय समय की बात है, हम देखिए हम बहुत साल पहले कहाँ थे, हम वहाँ थे जहाँ पे बात होती थी, हमारे कल्चर में पैदा होने के समय से अपने नाम के आगे महिलाओं का नाम लगाया जाता है। बिल्कुल, एक बच्चा पैदा होने के बाद कहलाता था देवकी नंदन, यशोदा नंदन, अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र, भीष्म है ना, अंजनी पुत्र, पवन सुत, भगवान भी सियाराम। और वही लोग जब शादी हो जाती है उनकी तो फिर वो अपनी पत्नी के नाम से कहलाते हैं, लक्ष्मी नारायण, सियाराम, राधेश्याम, गौरी शंकर। तो अगर शंकर और विष्णु से बड़ा तो कुछ नहीं है, चार सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा लिए जाने वाले हिंदू नाम हैं भगवानों के, शिव, विष्णु, कृष्ण और राम, सियाराम, राधेश्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, नारायण मतलब विष्णु। तो आप शादी के पहले एक महिला के नाम से जाने जाते थे, आप शादी के बाद एक महिला के नाम से जाने जाते हैं। ये पुरुष प्रधान देश कभी रहा ही नहीं, फेमिनिस्ट ही थे हम तो शुरू से, बिल्कुल थे। आपके आपके देश में हमेशा स्वयंवर हुआ है, महिला को हमेशा अधिकार रहा है अपना वर चुनने का। तो ये मेरी बीवी कब हो गई, सोचिएगा इस पर भाई। ये मेरा नैपकिन है, ठीक है, मैं किसी दिन कहीं गया और ये नैपकिन, अनगिनत नैपकिन में से मैंने ये नैपकिन सेलेक्ट किया, चूज किया, खरीदा नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें खरीदा शब्द गलत चला है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको चूज़ किया। अब आप ये बताइए कि ये नैपकिन जिसको मैंने चूज़ किया, ये मेरा नैपकिन हुआ या मैं इस नैपकिन का हो गया? ये नैपकिन आपका होगा, ये नैपकिन मेरा हुआ ना, क्यों? क्योंकि मैंने इसको हैंड पिक किया। स्वयंवर में एक महिला एक पुरुष को हैंड पिक करती थी कि ये लायक है मेरा हस्बैंड बनने का, तो उस महिला का वो वर हुआ ना, नैपकिन का नहीं होगा ना अक्षत गुप्ता, ये अक्षत गुप्ता का नैपकिन होगा क्योंकि अक्षत गुप्ता ने इसको पिक किया। बिल्कुल, तो हम तो हमेशा से महिला प्रधान देश के हैं, हम कब ऐसे हो गए कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा पोजीशन है? हो ही नहीं सकता, ये हमसे गलती हुई। हम बोलने लग गए माय नेम इज दिस, सन ऑफ दिस, और सन ऑफ दिस में एक मेल का नाम आने लग गया, तो वो वाला कल्चर तो हमारा ही था ना, अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, कुंती नंदन, पांडवों को कुंती नंदन बोला जाता है। तो ये हम बड़े खुले हाथ के हैं कि अच्छा आपको ऐसे करना, चलो हम आपके साथ हो लेते हैं, आपको ऐसे करना, चलो हम आपके साथ हो लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम भी है कि हम लोग इतने ज्यादा, हमारा जो रिलीजन है उतना लिबरल है कि सबको छूट देता है। तो मेरी कविता में इसीलिए वो दो लाइन डाला हूँ मैं कि घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम में। तो इसकी पूरी कविता है, मैंने आपकी सुनी हुई है, आप एक बार थोड़ा सा एक कविता अगर पूरी आप सुना दें। तो कविता कुछ ऐसी है कि रुद्राक्ष की माला भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में वहाँ आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर, अली वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू।
प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। तो इस तीन में ना मैं मेरी जितनी समझ है अपने गूज़बम्स आ गए सुन के अपने धर्म के बारे में, वो मैंने इस तीन स्टेंजा में डालने की कोशिश की है। तो उसी में से ये दो लाइनें कि हम तो भूल जाते हैं, आप अगर बोलेंगे सलाम अलैकुम तो हम बोलेंगे वालेकुम, पर अगर हम बोलेंगे प्रणाम तो क्या आप बोलेंगे प्रणाम? हम ऐसे करेंगे, आप पैर छू के प्रणाम करेंगे। तो ये हमारे कल्चर की खूबसूरती भी, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अब नुकसानदायक भी हो रहा है। क्यों अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं हम दूसरों के बीच में अपने आप की जगह बनाने के लिए इतने आतुर हैं, जो कि सही बात नहीं है कि भाई आप रहिए हम रहेंगे। तो हमको हम हर चीज़ अपने में ले लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं दिखता कि सामने वाला हमको नहीं लेना चाहता। वो भाईचारा भाईचारा तो कहने का, बाकी भाई हो गए हम चारा हो गए तो उस पर कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे भाई आपने इतनी रिसर्च करी होगी जब आप बुक्स लिख रहे थे, तो कोई ऐसा इंसिडेंट पढ़ते पढ़ते आपको कुछ ऐसा जानकारी मिली इससे आपके एकदम जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल गए, आपको लगा कि यार ये कैसे हमें नहीं पता है? जी मुझे एक नहीं ऐसे कई बार मुझे लगा कि ये कैसे है जो हमें नहीं पता है, क्योंकि आजकल के बच्चों को आई डोंट थिंक कि हमारे बच्चों को हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता है। मतलब अगर रीसेंट हिस्ट्री की बात करूँ मैं, अकबर बीरबल की बात नहीं कर रहा, उससे पुरानी जो थोड़ी एंशियंट हिस्ट्री है उसके बारे में। देखिए मैं आज ही मैं अभी कहीं बैठा हुआ था आपके पास आने के पहले, और मुझे बहुत अजीब लगा जब मुझे ये पता चला कि कुछ लोग बैठे हुए थे और बड़े पढ़े लिखे लोग, और वहाँ बात हुई तो पूछा गया कि राम राम के बारे में पूछा गया, और मैं हिंदू समुदाय की बात कर रहा हूँ जी, है ना। कोई कोई फॉरेन कंट्री का बंदा गलती कर ले या कोई क्रिश्चियन मुस्लिम सिख गलती कर ले तो समझ में आता है कि ठीक है भाई वो आपका उनका एक्सपर्टीज कोर नहीं है। उनसे बोला गया कि राम कितने भाई थे, तो तीन चार लोगों ने एक साथ बोला कि राम राम तो पांच भाई थे। कौन थे उनके फादर? थोड़ी देर सोचे बोले राजा जनक नाम था ना उनके फादर। ये हालत है हम लोगों की। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दूं कि कम से कम ये चीज़ सीधे सीधे आप याद रख लीजिए कि सीता को जानकी भी बोलते हैं क्योंकि राजा जनक उनके पिता थे, तो जनक पुत्री जानकी हैं वो। और द्रौपदी को पांचाली भी बोलते थे क्योंकि पांचाल नरेश थे उनके पिता, है ना। तो कम से बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, उनका नाम ध्रुपद था इसलिए इनका नाम द्रौपदी है, और उनके राज्य का नाम पांचाल था इसलिए उनको पांचाली भी कहा जाता है, और राजा जनक की सुपुत्री थी सीता इसलिए उनको जानकी। तो जानकी से जनक और पांचाली से पांचाल, द्रौपदी से ध्रुपद, बहुत ही सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं है। वो कन्फ्यूजन भी दूर कर दीजिए, जो पांच भाई थे वो पांडव थे, राजा राम चार भाई थे, है ना, वो थे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तो और उनके पिता दशरथ थे, इश्वाकु वंश के थे वो लोग। तो ये जो पूरी बात अभी हम कर रहे हैं ना, कई कई जिनको पता हुआ वो उनको लगेगा कि ये कौन सी बताने वाली बात है, ये किसको नहीं पता। मैं बता रहा हूँ आपको ये भी नहीं पता लोगों को, इसमें भी लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। वो कोई बोलता है कि वो तो सीता तो अग्नि से निकली थी, नहीं भैया द्रौपदी अग्नि से निकली थी, सीता का अग्नि परीक्षा हुआ था, दो अलग अलग बात है। धरती से निकली थी वो धरती में समाई थी, उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी, अग्नि से जो निकली थी वो द्रौपदी थी। तो हम लोग बात कर रहे थे कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप रिसर्च कर रहे थे आपको कुछ ऐसा सुनने को मिला या पढ़ने को मिला, या आप रिसर्च के टाइम अगर आपको कुछ देखने को ऐसा मिला जिससे आपको लगा कि यार ये कैसे लोगों, मतलब ये तो ये नहीं, अगर ये भी नहीं पता है लोगों को जो आपने अभी बताया वो तो बहुत ही बुरी बात है जी, पर कोई ऐसी चीज होगी जो जेन्युइनली हो सकता है कि हिस्ट्री में कहीं खो गई है और लोगों को नहीं मालूम? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कल ही महाभारत पे हम लोग काफ़ी देर बात कर रहे थे, तो बैक स्टोरीज जो हैं
कमाल की बैक स्टोरीज है कि परशुराम का कर्ण से क्या संबंध था, भीष्म पितामह को जैसे मारा गया था तो अर्जुन तीर चला रहे थे लेकिन भीष्म पितामह उल्टा तीर क्यों नहीं चला रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी खड़ा हो जाता, शिखंडी कौन था, उस पर भीष्म पितामह तीर क्यों नहीं चला रहे थे, तो शिखंडी भीष्म पितामह पहचान गए थे कि जो शिखंडी है वो पिछले जन्म में अंबा थी, अंबा थी, तो अंबा का क्या स्टोरी है, तो अंबा अंबिका और अंबालिका तीन महीने थी जिनको भीष्म पितामह स्वयंवर में जीत के उठा लाए थे, अंबा और अंबालिका, अंबिका और अंबालिका की शादी तो करवा दी, अंबा ने बोला कि एक राजा है जिसका नाम राजा सालवा है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, तो बोले मुझे पता नहीं था, चलिए आपको वापस भेज देते हैं, वापस भेजा गया तो सालवा ने इनकार कर दिया, बोले अब तो तुम वो जीत के ले गए तुमको तो नहीं हो पाए, वो वापस आई बोली अब आपको मेरे को अपनाना पड़ेगा, बोले मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैं नहीं करूँगा विवाह, वो गुस्से से शिकायत लेके गई परशुराम के पास, परशुराम बोले मेरी बात कैसे नहीं मानेगा, मेरा शिष्य है उसको तो मैंने सिखाया, आए बोले करो विवाह करो, बोले मैं वचनबद्ध नहीं कर सकते, तो बोले चुन लो या इससे विवाह करो या मुझसे युद्ध करो, तो बोले गुरुवर मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, युद्ध ही करना पड़ेगा, युद्ध में वो परशुराम को हरा दिए जबकि उन्हीं के शिष्य थे, वहीं से वो बात निकली थी गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया, कि जिससे सीखे उसको हरा देना बहुत बड़ी बात होती, सिंपल सिंपल है, सब समझ में आया। यहाँ पे परशुराम ने ये नाराजगी में वो भीष्म पितामह को तो आशीर्वाद दिया कि तुम क्या शिष्य बने तुम, लेकिन उनकी बात तो नहीं माने, और उनकी बात नहीं मानने के बाद भी जीवित रहे क्यों, क्योंकि उनसे अच्छे योद्धा हो गए, तो उस दिन वो नाराजगी से उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद मैं किसी क्षत्रिय को अपना अपनी युद्ध विद्या नहीं दूंगा, इसीलिए कर्ण को शायद उन्होंने कर्ण झूठ बोल के झूठ बोल के गुस्से थे और सब सीख गए, उसके बाद वो एक दिन उनके गोद में सोए हुए थे परशुराम, और वो बिच्छू आया और बिच्छू पकड़ लिए कि मेरे गुरु डिस्टर्ब ना हो, इतना खून बहा कि उस खून के उबाल से, उस खून की गर्मी से जब उनकी नींद खुली और उनको समझ में आया कि ये बच्चा उसको उसका पूरा पेन ले ले रहा, तो बोले तू ब्राह्मण पुत्र या सूत पुत्र हो ही नहीं सकता, क्षत्रिय तू झूठ बोला मेरे से, और उनको श्राप दिए कि जिस रोज तेरे को मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तू भूल जाएगा, ये वो दिन था जिस दिन उनका वध हुआ अर्जुन के हाथ से। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए दैट मीन्स आपने पूरा एपिसोड देखा है और आपको पसंद भी आया है, पर अक्षत भाई के साथ बात करने के लिए इतना कुछ था कि हम लोग उसको एक पार्ट में डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो इसलिए ये जो एपिसोड है ये हम लोग दो पार्ट में आएगा और बहुत जल्दी ही सेकेंड पार्ट भी रिलीज़ होगा, तो कीप वॉचिंग एंड बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको सेकेंड पार्ट जब रिलीज़ हो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर आए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।